सो गाइस आज हम बात करेंगे सुजुकी बाकमैन ईएक्स ओबीडी 220 वेरिएंट के बारे में। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं हूँ अंजलि सुजुकी बारसद से। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू सुजुकी बाकमैन ईएक्स ओबीडी 220 वेरिएंट के बारे में। इस गाड़ी का एक्सट्रीम प्राइस कितना है, इसका ऑनर प्राइस कितना है, सब कुछ के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज वीडियो से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारा डीलर कुछ कस्टमर को बोल रहा है ये इस गाड़ी बंद हो गया, ये इसका मैन्युफैक्चर बंद कर दिया कंपनी ने। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारा शोरूम में आकर देख सकते हैं। मेरा शोरूम है बाराशत में, यहाँ पे आपको ये इसका सब कलर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लैक है, ये है ब्रॉन्ज और एक कलर आता है सिल्वर, और तीनों कलर भी आप हमारा शोरूम में मिल जाएगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा शोरूम का एड्रेस भी मैं प्रॉपर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे अब बात करते हैं इसका फीचर्स के बारे में। सो बेसिकली इस गाड़ी में आपको बहुत सारा चेंजेस मिलता है। जैसे कि इसमें आपको साइलेंस स्टार्ट मिलता है, इसमें आपको ऑटो ऑफ ऑन सिस्टम मिलता है, इसे इसका पीछे का जो व्हील है उसका साइज बड़ा मिलता है। नॉर्मल बाकमैन में आपको 10 इंच का साइज मिलता है, लेकिन इसमें आपको 12 इंच का व्हील मिलता है पीछे। एंड लास्ट थिंग, इसमें आपको जो बैटरी है, इसमें आपको बैटरी पावर भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नॉर्मल जो बाकमैन है उसमें आपको 4 एम्पीयर का बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें आपको 6 एम्पीयर का बैटरी मिलता है। सो इस फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। सो इस फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंची का 90x90 M&F कंपनी का टायर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एक डिश भी मिल जाएगा। एंड एलॉय व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ब्रोंज टाइप का डिज़ाइन के साथ एलॉय व्हील यूज़ किया है। एंड फ्रंट सस्पेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोप सस्पेंस मिलता है, जो सुजुकी का हर मोटरसाइकिल में होता है, तो आप देख सकते हैं। देन गाइस उसके बाद आता है फ्रंट हेडलाइट की बात करता हूँ। ये दोनों गाड़ी में आपको फुल्ली लोडेड LED हेडलाइट यूज़ किया है, जब भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ DRL कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। फ्रंट इंडिकेटर की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप का इंडिकेटर यूज़ किया है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यानी यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर सेट करने का ऑप्शन है। सेम इस साइड में भी आपको सेम मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्रॉन्ज है, यानी यहाँ पे आपको मैट सिल्वर का ऑप्शन है। एंड विंडशील्ड कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फ्रंट प्रोफाइल कुछ आपको इस टाइप का आता है। सो गाइस चाबी इग्निशन की बात करो तो यहाँ पे आपको 2 की मिल जाता है कुछ इस टाइप का। ऑन एंड यहाँ पे आपको इस साइड पर ना एक USB सॉकेट भी मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको आप मोबाइल चार्ज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2 लीटर का वाटर बोतल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एक पुश शटर भी लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये दबाने से पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। एंड इसको ओपन करने के लिए आपको चाबी का जो बैक साइड है, यहाँ पे आपको डाल के राइट टैब घुमाने से ओपन हो जाता है। एंड इस साइड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। एंड नीचे यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। फुट बुक का कलर कुछ इस टाइप का आता है, आप जैसे कि चॉकलेट कलर देख सकते हैं आप। अगर यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अपर टेबल का स्विच मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। एंड नीचे यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन ऑटो ऑफ ऑन का स्विच मिल जाता है। ये काम कैसे करेगा, अगर मान लीजिए आप कोई ट्रैफिक में रुकते हो तो गाड़ी आपको 3 या 4 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सेल्फ दबाना नहीं पड़ेगा, ओनली एक्सेलेटर आप हल्के से घुमाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद ना हो तो ये स्विच दबाने से गाड़ी आपको ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। सो गाइस फाइनली बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सो इस गाड़ी में आपको 124 सेंटीमीटर का फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको बहुत सारा फीचर्स की ऑप्शन है। सुजुकी का एक ऐप से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप। एंड उसके द्वारा आप अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट करके इस मीटर में आप अपना GPS यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे कोई कॉल करे, कोई SMS करे, यहाँ पे शो करेगा गाड़ी कितना गर्म हो रहा है, यहाँ पे शो करेगा।
यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है। सो गाइस एंड इसकी गाड़ी में आपको एवरेज जो माइलेज है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड राइट साइड में यहाँ पे आपको सुजुकी बागमैन ये इसका लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइट कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ए सी भी टेक्नोलॉजी मिल जाती है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक पिलियन फुटेज भी मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल डोर कलर का एग्जॉस्ट मिलता है। इसका साउंड कैसे है आपको मैं सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट का साउंड कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। इसका साउंड बहुत ही स्मूथ है। देन गाइस ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो इस गाड़ी में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट की बात करो तो यहाँ पे आपको सीट का कलर कुछ इस टाइप का आपको चॉकलेट का कलर का सीट आता है। एंड यहाँ पे आपको सीट हाइट की बात करो तो यहाँ पे आपको 780 mm का सीट हाइट यूज़ किया है इस गाड़ी में। देन गाइस रियर व्यू की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पीछे की फुल्ली LED टेल लाइट यूज़ किया है। इंडिकेटर कुछ आपको इस टाइप का आता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ग्रैब बेल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ क्रोम फिनिश का डिजाइन के साथ भी यूज किया है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको पीछे का जो नंबर है सेट करने का ऑप्शन है। पीछे का व्यू कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। देन गाइस सीट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 21.5 लीटर का कैपेसिटी मिल जाता है। एंड फ्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपको 5.5 लीटर का कैपेसिटी मिल जाता है जिस टाइप का ओपन होता है ये। देन गाइस पीछे के टायर की बात करो तो यहाँ पे आपको 100x80 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है जो MRF कंपनी का है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शाड़ी का टाइप यूज़ किया है। एंड एलॉय का कलर कुछ आपको ब्रोंज टाइप का ही आता है। रियर सस्पेंस कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। सो वैसे आप बात करते हैं इंजन के बारे में। सो बेसिकली गाइस इसमें आपको 4-stroke 1-cylinder एयर कूल इंजन मिलता है। एंड जो मैक्सिमम पावर है इसका 8.6 PS एंड 6500 RPM तक देखने को मिल जाएगा। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको 10 Nm एंड 5500 RPM के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड कुछ इस टाइप का आता है। एंड लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे पिलियन फुटेज यूज़ किया है। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलता है। सो इस लेफ्ट साइड का व्यू कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप बात करते हैं इस गाड़ी का ऑफर एंड प्राइस के बारे में। सो बेसिकली इसका एक शोरूम आपको 1,16,000 के आसपास मिल जाएगा हमारा शोरूम में। एंड ऑन रोड आपको 1,35,000 के आसपास मिल जाएगा हमारा शोरूम में। एंड आप अगर दिस मंथ इस गाड़ी परचेस करने के सोच रहे हो तो इस मंथ में आपको बहुत सारा एक्सेसरी गाड़ी के साथ फ्री मिलेगा। जैसे कि हम लोग दिवाली ऑफर दे रहे हैं, गाड़ी के साथ एक ISI मार्क का हेलमेट रहेगा, एक अच्छा सीट कवर रहेगा, एक फ्लोर मैट रहेगा एंड एक जो कवर होता है बॉडी का, सो वो कवर भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ एक की रिंग भी मिलेगा आपको एंड फुल टैंक पेट्रोल भी मिल जाएगा हमारे शोरूम में। सो गाइस आप अगर कोई भी सुजुकी स्कूटर या मोटरसाइकिल परचेस करने का सोच रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा शोरूम का नाम, फोन नंबर, एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक बात, हम हमारा शोरूम से डोर स्टेप डिलीवरी का भी ऑप्शन रखते हैं। सो इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल का सपोर्ट जरूर करना। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।